गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल और स्वागत है आप सभी का हमारे नए वीडियो में। और जैसा कि अभी दोपहर का वक्त है और गाड़ी का हाल देख सकते हो, पूरा डस्टी लुक हो चुका है। इधर साफ नहीं हुआ गाड़ी अपना यार कुछ दिनों से। तो आज भाई दोपहर में अचानक मन किया यार चलो एक पीओवी ड्राइव बनाते हैं। कुछ पुरानी यादें जो भी हमारे वीडियो में आपने देखा होगा कि पहले के हाईवे ड्राइव में जो पहले के टाइप के वीडियोस थे हमारे, जिसमें कुछ वीडियो में था कि लेफ्ट एंड राइट जजमेंट के बारे में कुछ भाइयों का कमेंट था, तो सोचा यार चलो चलते हैं। और अपना काम भी चल रहा है भाई, अभी देखो आप 2 बज रहा है और अपना ट्रेड लगा हुआ है, सेटअप अपना अभी पोजीशन स्कोर ऑफ नहीं किए हैं, मार्केट में ही है। भाइयों का कमेंट रहता है कि देखो यार स्टार्टिंग में पहले बेसिक से बता देते हैं आपको कि अंदाज़ा लगाने का क्या क्या आइडिया, कैसे आप आइडिया लगा सकते हो। और कुछ कुछ चीज़ें आपको ध्यान देनी होगी, कोई भी गाड़ी आप ले लो, चाहे आप SUV ले लो, सेडान ले लो, कोई भी गाड़ी ले लो। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि आप जो भी आप कहते हो ना कि अंदाज़ा नहीं लगता भाई ये गाड़ी चला लेते हैं मगर दूसरे गाड़ी में अंदाज़ा नहीं लगता है, तो सबसे सिंपल चीज़ आपको बता रहे हैं, आप इसको एक बार फॉलो करके देखना। जैसे कि हम पहले भी बताए, ऐसा नहीं कि अभी हम अलग कुछ बता रहे हैं। सेंटर ऑफ आपके कार का सेंटर पॉइंट आप ले लो, ठीक है। जैसे कि मेरे यहाँ पे साईं बाबा जी का मूर्ति है तो आप इसको फॉर एग्जांपल सेंटर पॉइंट ले लीजिए। और भाई निकल तो गए बट ट्रैफिक लग रहा है कि वो हमें मिलने वाला है। तो अगर आप ये सेंटर पॉइंट ले रहे हो, ठीक है, और आपको मान लो कि आइडिया लगाना कि मेरा टायर किस एकदम एग्जैक्ट कहाँ पर चल रहा है, तो सबसे बेस्ट चीज़ है कि आप ये पॉइंट को लेकर चलो कि ये आपका लेफ्ट टायर है। राइट टायर के लिए भी हम बता रहे हैं भाई, बस लेफ्ट के लिए नहीं बता रहे। तो अगर आप ये पॉइंट लेकर चल रहे हो, ठीक है, और रोड का कोई भी ऑब्जेक्ट जैसे ये वाइट लाइन है, तो इस पॉइंट को आप आइडिया लगाओ कि ये वाला इस पे ही चल रहा है, मतलब इसको इस पे पैरेलल कर दो एकदम सामना सामने, तो आप समझो कि आपका गाड़ी चल रहा है आपके वाइट पट्टी पे जो लाइन है। को इस स्टेयरिंग का एज को लेकर चलना है, ठीक है। जैसे आपको चाहिए कि इस साइड के वाइट पट्टी पे चलाना है तो आप इस स्टेयरिंग के एज को लेकर चलो, आपको आइडिया लग जाएगा। और देखो भाई हम ये गली मोहल्ले में भी ड्राइव करके आपको बता सकते थे बट हम प्रेफर किए हाईवे पे, क्योंकि यहाँ पे रश रहता है और हर जगह की गाड़ियाँ चलती है भाई, कोई तेज कोई धीरे, सब तरीके चलती है। तो बस इसीलिए यहाँ पे प्रेफर कर दिए बनाने का वीडियो, ताकि भाइयों को समझ में आए, नहीं तो आप यूट्यूब पे मेरी गाड़ी पंचर है क्या यार, बहुत अजीब टाइप से आवाज़ कर रहा है। तो भाइयों लोगों को बहुत ये होता है कि अरे यार ऐसा वीडियो, मतलब देखो ओवरऑल देखोगे तो हमेशा क्लिक बेट ही आपको दिखेगा, मगर रियलिटी देखो भाई वीडियो ऐसा कंटेंट आप देखते हो, बहुत सारे भाई को लगता है कि यार क्या है, नहीं है। देखो रियलिटी ऑफ ड्राइविंग का असली रियलिटी जो होता है ना, आप मेरे वीडियो में चेक कर लेना, जो जेन्युइन चीज़ होता है ना, जो नॉर्मल यूज़ की चीज़ें होती है ना, वही हम आपसे शेयर करते हैं, बिना अलग चीज़ कुछ ऐसा नहीं हम बताते यार जो यूज़लेस टाइप हो, समझ रहे हो आप। थोड़ा सा आप ध्यान से समझो, अगर आप गाड़ी चलाते हो, देखो आप अगर आप चलाना सीख रहे हो, ठीक है, तो आप ज़्यादा बात को रिलेट नहीं, वाइट और ब्लैक, वाह दोनों कलर की थारे जा रही थी, तो वो आप धीरे धीरे सीखोगे, ऐसा नहीं है कि आप एक बार में समझ जाओगे, तो ये चीज़ आपको समझना होगा पहले। और लंबी ट्रैफिक है भाई यहाँ पे, तो टाइमिंग गलत हो गया अपना, और चलो कोई नहीं यार। तो सिंपल सा चीज़ है भाई, हटाओ ये सब बात, सिंपल चीज़ इस पॉइंट को लेके चलो आप अपना लेफ्ट पोजीशन टायर का और इस साइड का अपना राइट, सिंपल है, कोई ज़्यादा आपको पैनिक नहीं करना है, इजी है अगर आप अच्छे से समझो तो। उस तो चक्कर हुआ है भाई, ट्रक का पंगा है या जो भी है, भाई ये देखो इनका ट्रक में कुछ प्रॉब्लम हुआ है जो भी है। तो अगर आपको अंदाज़ा लगाना भाई ये सिंपल बेस्ट इजी तरीका है, ऐसा कुछ नहीं है कि हम थोड़ा
अरे यार यहाँ भी ट्रैफिक है भाई। हाईवे पे आपको लगता होगा कि देखो बहुत ट्रैफिक है, यहाँ पे इस साइड से गाड़ी आ रही है, इधर से आ रही है, तो आपको लगता है भाई कहाँ मतलब किधर आ गए हम, कैसे आइडिया लगाएंगे। बट अगर आप तरीके से देखो समझो कि आइडिया आप टायर कहाँ चल रहा है आपका, सबसे बड़ी चीज़ ये होता है कि आपकी टायर का अंदाज़ा लगना रहना चाहिए, लगते रहना चाहिए। अगर वो आइडिया लग रहा है आपको ना तो फिर दिक्कत नहीं होता है भाई। बहुत गंदा ट्रैफिक में फंसे हैं आज हम। चलिए कोई नहीं, बस यही होता है भाई। देखो यार जो भी हमारे व्यूअर्स देखते हो ना, बस देख के छोड़ देते हो आप कि यार क्या है नहीं है। बट मेहनत किसी का समझो, होप आप समझते हो, बहुत सारे भाई समझते हो, ऐसा नहीं है नहीं समझते हो, बट फिर भी और ऐसे सिचुएशन में देख सकते हो कितना बगल बगल से गाड़ी जाता है यार। ऐसा नहीं कि इधर है सफिशिएंट जगह आपको मिलता है, अगर आप देखो अच्छे से तो सफिशिएंट जगह नहीं मिल पाता है आदमी को निकलने के लिए। तो ऐसे कंडीशन में थोड़ा सा आदमी पैनिक करता है यार कि कहाँ आ गए, कैसे कैसे जाएंगे नहीं जाएंगे। तो बस यही चीज़ है, बाकी और क्या ही बोला जा सकता है यार। इधर तो जगह ही नहीं है जाने का जो हम लोग इधर कर लीन पकड़ सकें। तो ये सिंपल सा चीज़ है, आपको लेफ्ट एंड राइट का अंदाज़ा आपको खुद में लग जाएगा। बस थोड़ा सा जब चलो भाई तो ज़्यादा स्पीड में नहीं चलो, मतलब कि स्पीड में मत चलो। अगर आप नए ड्राइवर तो आप ऑब्वियस हो कि थोड़ा आराम से ही चलोगे, मगर थोड़ा सा लिमिट में ही रहने में फ़ायदा होता है। आराम से चलोगे, आपको आइडिया रहे कि हाँ आपका टायर किधर चल रहा है नहीं चल रहा है, बस ये चीज़ है। अरे भाई यहाँ पे तो अच्छा रोड कंस्ट्रक्शन के चलते सिंगल लेन कर दिया गया है भाई, देख सकते हो। रोड के चक्कर बाबू भैया, रोड का चक्कर है ये, इसीलिए तो ट्रैफिक यहाँ ज़्यादा हो रहा है। और ये ऐसा चीज़ है ना भाई, मतलब जो भी कहते हैं ना कि लेन अंदाज़ा नहीं, वो ना नॉर्मल ड्राइव कर लेंगे उनको कोई दिक्कत नहीं होता है। नॉर्मल ड्राइव मतलब कि गली मोहल्ला में फिर कहीं पर भी चला लेंगे, लेकिन जब नैरो रोड आता है ना भाई जहाँ से आपको गाड़ी निकालना है वहाँ पर वो पैनिक करते हैं। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम भी यही होता है नए नए न्यू कमर या जो भी नए ड्राइवर जिसको भी कह लो आप, उनके लिए ये एक तरह से प्रॉब्लम ही है। तो देखो सिंपल सा चीज़, अगर आप समझदारी, एक सेकंड भाई एसी ऑन हम शीशा नीचे की है, जो भी न्यू कमर है जो ड्राइवर ड्राइव करना चाह रहे हो ना भाई, जो कहते हो कि अंदाज़ा कैसे ले या फिर जो भी है, तो ये तरीका है, आप ट्राई ज़रूर करो एक बार। और ये वरना भाई बहुत सही लग रही है, एकदम मस्त। जो भी है ना लेन का आइडिया जिसको भी लगाना, आप ज़रूर देखना एक बार ये वीडियो। उसके बाद देखो हम समझाने वाले बहुत अच्छे तरीके से कुछ कोई, आपको बहुत सारे ऐसे वीडियो मिल जाएंगे कि जिसमें आपको समझाया जा रहा है, मतलब बहुत तरीके का एग्जांपल कि यहाँ पे एक टेप लगा दिया वाइट टेप कि भाई यहाँ से देखो ऐसे अंदाज़ा लगाया जाता है, इस चीज़ को ऐसे करो वैसे करो। मगर अगर देखो भाई समझने वाले समझ जाते हो उस चीज़ को, और ऐसा हम उस टाइम पे क्यों कहें आपको कि जब आप लेन आइडिया आपको नहीं है, जब आप लेन के लिए सॉरी जब आप लेन चेंज मतलब अपने गाड़ी का लेफ्ट और राइट का अंदाज़ा आपको नहीं लग रहा है, तो उस टाइम पे आप सबसे बेस्ट यही रहता है कि आप थोड़ा धीरे चलो और थोड़ा सा आइडिया लो पत्थर का ब्रेकर का, आप उस पर चढ़ा के देखो, फिर आपको आइडिया लगे कि कितना स्टेयरिंग इधर ले रहे हैं या फिर उधर ले रहे हैं, तो वो मतलब ईजिली वहाँ से क्रॉस कर रहा है। तो ये सब चीज़ होता है, छोटा छोटा चीज़ है जो आपको ईजिली ईजिली कह सकते हैं हम कि स्टार्टिंग में कोई भी चीज़ भाई देखो टफ ही रहता है, बट धीरे धीरे जब आप चलाने लगते हो सीखने लगते हो तो वो इजी हो जाता है। और हमारे पीछे आ रही है रेंज रोवर भाई, खतरनाक। देखो अब इधर से निकलेगी, सही है भाई गाड़ी सही है। मैंने एक वीडियो देखा भाई, इसमें रेंज रोवर और जी वैगन को टक्कर के रस्सी से, और वो कर रहे थे टेस्ट कर रहे थे उनके पावर का कि कौन किस भाई। जी वैगन को खींच लिया इसने भयानक तरीके से, एकदम अनएक्सपेक्टेड था। बट पावर भी देखो यार, वो V8 इंजन और रेंज रोवर में पता नहीं कौन से आती है, मुझे आइडिया नहीं है इसका।
अब इधर देखे कितना सही लग रहा है ना, ट्रैफिक से निकल के अब उस लेन में देखने में मजा आ रहा है। ट्रैफिक भाई, हालत खराब हो गया है यार उधर से निकलने में। बस सारा कंटेंट भूल गए समझो तो आप यार, ऐसा ट्रैफिक था। बट चलो कोई नहीं, कोई भी गाड़ी चलाता ना भाई, उसको वो ऐसा नहीं है कि उसको आइडिया लग ही जाता, वो चलाते चलाते आइडिया लगेगा आपको। बस ये है कि कोई भी एक गाड़ी का आइडिया लग गया ना आपको, तो फिर कोई टेंशन नहीं है, फिर आप कोई भी गाड़ी चलाओ, आपको इजीली कोई भी गाड़ी का आइडिया आराम से निकलते आएगा, निकल जाएगा आराम से। बस ये चीज़ होता है। ओ ओ ओ, 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 ओ. तो कभी कभी लेन या फिर कोई भी चीज़ का आइडिया लगाना हो ना, तो सिंपल सा चीज़ है, आप आराम से चलते जाओ। जब लगे जगह नहीं है भाई, गाड़ी स्लो कर दो, रोक दो, मतलब जो सही लगे ना वो करो। बट ये नहीं करो कि अगर नहीं गुजरा या फिर नहीं जा पाएगा, चलो करके देखते हैं, चलो घुसा देते हैं, ऐसा नहीं करना है। ये चीज़ ध्यान रखना भाई। मेरे पीछे दो स्विफ्ट एक डिज़ायर था, अगर आपने साइड मिरर देखा होगा तो, मगर वो बंदा भी सही किया, मगर आगे जो टियागो या पता नहीं कौन सी गाड़ी थी, वो ज़बरदस्ती घुसने की कोशिश कर रहा था कम जगह तो ओवरटेक करने का, बट ऐसा नहीं करना चाहिए। तो यही है भाई, बाकी होप आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। और अगर ये वीडियो पसंद आया तो क्या करना भाई, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि भाई हमारे 80% व्यूअर जो भी है ना, बस वीडियो देखते हैं और चले जाते हैं। जो बस 20% वाले ही हैं हमने, वो हमारे साथ हैं, और अच्छा लगता है भाई पुराने व्यूअर जो आज तक अभी भी हमें सपोर्ट करते हैं या फिर जो भी है। तो आप भी करो यार, मेहनत लगता है, आप देख सकते हो, ऐसा नहीं है यार कि कहीं पे भी ऐसे आके अभी हम आपके लिए स्पेशली गए भाई बनाने ही, बस तो आप समझ सकते हो, किसी का एफर्ट समझो यार। बस आपको कुछ नहीं करना है, एक लाइक का बटन दबाना है, कमेंट करना है, बस शेयर कर दो फ्रेंड्स फैमिली के साथ, जिन्हें दिक्कत होता है यार चलाने में इस तरीके की, मतलब अंदाज़ा लेफ्ट राइट का लेने में उन्हें दिक्कत होता है, उनको आप भेज दो ये वीडियो। तो इस वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।